hello everyone welcome to Abhya's e ecampus today we are going to discuss about uh, some basic concepts of chemistry and here we are going to discuss about amu concept of amu what is the amu it is an atomic mass unit atomic mass unit atomic mass unit वट इज द एटमिक मास यूनिट हमने हमेशा डेफिनेशन uh, इसको रीड किया है कि इट इज़ अ वन ट्वेल्थ ऑफ़ द मास ऑफ कार्बन एटम लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि ये डेफिनेशन कैसे आई है चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे ये डेफिनेशन हमारे पास आई है एक्चुअल में क्या है कि ऐटम है ऐटम का एटम एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है डेल्टन बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल राइट तो उसका बहुत छोटा पार्टिकल होने की वजह से उसका मास कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है उसका मास कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है इसीलिए हम रेफरेंस लेते हैं फॉर uh, एग्ज़ाम्पल जैसे हम मार्केट में वन के जी एप्पल लेने गए हैं तो वो क्या करता है यहाँ पर वन के जी का आ, कुछ स्टोन रखता है ठीक है लोहे का पत्थर सा होता है और इधर वो फ्रूट रखता है और वो बैलेंस करते हैं राइट आ, अगर हम मार्केट में आ, मैंगो लेने गए हैं बिल्कुल सेम वो क्या करेंगे इधर वन के जी का आ, कुछ आयरन का पीस रखेंगे और इधर मैंगोज़ uh, रखेंगे तो इस तरह से बैलेंस किया जाता है वो क्या है मैक्रो क्वांटिटीज़ हैं बड़ी क्वांटिटीज़ हैं लेकिन अगर हम क्या करें एक शुगर uh, है ठीक है ना या हम एक बात करें कि हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के पार्टिकल का मास मेज़र करना है वो बहुत छोटा है उसको मेज़र करना क्या है बहुत मुश्किल है ठीक है तो उन्होंने साइंटिस्ट थे जो हमारे उन्होंने एडवाइस किया क्यों ना इनको भी किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो उन्होंने कंपेयर किया उनको कार्बन के साथ पहले उन्होंने और भी चीज़ों के साथ कंपेयर किया बट फिर उन्होंने कंपेयर किया कार्बन के साथ और सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो वन एटम का मास होता है वन एटम का मास वन एटम मास है वन एटम का जो मास होता है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए एम यू इट इज़ अ एटॉमिक मास यूनिट राइट एक एटम के मास को रिप्रेजेंट किया वन एटोमिक यूनिट उन्होंने बोला कि कार्बन का आइसोटॉप लिया कार्बन का आइसोटॉप लिया कार्बन का आइसोटॉप का ही क्यों लिया कार्बन का आइसोटॉप इसलिए लिया क्योंकि उसका अबंडेंस बहुत ज़्यादा था नेचर में अबंडेंस के बेसिस पे उसको लिया गया एंड इट इज नॉट वेरी वेरी लेस रिएक्टिव नॉट वेरी लेस रिएक्टिव हमने देखना है कि ज़्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि रिएक्ट ही ना करे और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए तीन कंडीशन है हमारे पास याद ना एक तो उसकी अबंडेंस अबंडेंस का मतलब क्या नेचर में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए दूसरी बात है हमारे पास ये फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है नेचर में फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट नेचर में एंड दूसरा उन्होंने देखा कि बहुत कम रिएक्टिव नहीं होना चाहिए ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए सोडियम पोटेशियम वो तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कार्बन को प्रेफर किया गया कार्बन ट्वेल्व आइसोटॉप लिया गया उन्होंने लेट किया लेट किया कि कार्बन ट्वेल्व आइसोटॉप जो है विच इज इक्वल टू ट्वेल्व ए 12 ट्वेल्व ए 12 के इक्वल उसको क्या किया गया लेट किया गया चलिए इसको देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे आया मास ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम लेट किया गया ट्वेल्व एएमयू के इक्वल है अभी हम डेफिनेशन निकालते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है वन एटॉमिक मास यूनिट यहाँ से निकालना है तो ट्वेल्व इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा एंड वी विल गेट द वन ए एम यू ए एम यू विल बिकम मास ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम मास ऑफ वन कार्बन एटम डिवाइडेड बाई ट्वेल्थ तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन राइट व्हाट इज़ द एम यू ए एम यू इज़ वन ट्वेल्थ ऑफ़ द मास ऑफ कार्बन एटम अभी ए एम यू का ग्राम्स में क्या मास होता है कैसे निकलता है उस सब को हम डिस्कस करेंगे आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम इसको आगे करते हैं चलिए नेक्स्ट हम इसके बारे में करते हैं ये एक फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हुआ है अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम कार्बन की बात करें जो मास ऑफ कार्बन है मास ऑफ कार्बन है दैट इज ऑर 12 ग्राम पर मोल राइट दैट इज अ 12 ग्राम पर मोल पर मोल मीन्स वन मोल में वन मोल मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ट्वेल्व ग्राम राइट वन मोल में कितने सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री फाइन इतने एटम्स होते हैं इतना एटम क्या है विच इज इक्वल टू ट्वेल्व ग्राम है फाइन तो वन एटम का मास निकालते हैं वन एटम ऑफ कार्बन वन एटम ऑफ कार्बन इज ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री ग्राम्स राइट तो वन बेटा क्या आ जाएगा ट्वेल्व 6.022 बाई सीरोन की पार्ट ट्वेंटी थ्री ऑन कैलकुलेटिंग इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट द ए एम इंटू ग्राम देन मल्टीप्लाईड विद पॉइंट जीरो Uh, 1.66 पॉइंट 10 इंटू टेन की पार 24 ग्राम और अगर आप ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ए से इस टर्म को आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे सो so, एएमयू एक बहुत छोटी क्वांटिटी है ग्राम्स के अंदर इट विल बिकम 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस ट्वेंटी चलिए अभी हमें यह पता चला कि एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट किया गया चलिए मास हम सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो हम क्वांटिटी लेते हैं तो हमारे पास वी आर हैविंग द फिजिकल सेवन फिजिकल क्वांटिटीज राइट तो सेवन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी थी एक्चुअल में क्या है कि आ, जो क्वांटिटीज उन्होंने ली गई आ, बहुत कंफ्यूजन था कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे आ, मीटर्स में कुछ सेंटीमीटर्स में कुछ नैनोमीटर्स में तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई ठीक है सेवन स्टैंडर्ड फिज़िकल क्वांटिटीज बेटा दी गई सेवन स्टैंडर्ड एसआई फिजिकल क्वांटिटीज दी गई फर्स्ट में था हमारे पास डिस्टेंस आया डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंस को मेजर करना है मीटर में राइट सेकेंड क्वांटिटी हमारे पास आई टेम्परेचर टेम्परेचर को हम किसमें मेजर uh, करते हैं दैट विल बी इन द कैलविन एंड अमाउंट किस में कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट विल कैलकुलेटेड इन मोल्स मोल्स एंड फोर्थ क्वान्टिटी आई हमारे पास कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द टाइम टाइम शुड भी कैलकुलेटेड इन सेकेंड टाइम को किसमें कैलकुलेट किया जाता है सेकेंड में करेंट को किसमें कैलकुलेट किया जाता है करेंट विल भी कैलकुलेटेड इन एम्पियर एंड नेक्स्ट वन इज हमारे पास आया इंटेंसिटी इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इट कैन बी कैलकुलेटेड इन कैंडला कैंडला में उसको क्या किया गया कैलकुलेट किया गया एंड लास्ट क्वांटिटी इज मास मास को हम के में कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास सेवन फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर सो सेवन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है ये ठीक है अब हम क्या करते हैं इन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट को हम यूज करेंगे राइट अभी जैसे मास निकालते हैं हम बोलते हैं वन के जी मास, ये कहाँ से आया हमारे पास फ्रांस में एक प्लेटिनम और इरेडियम का एक बॉक्स है वो उसको बंद किया गया ठीक है और एयर टाइट कंटेनर लिया गया उसके विद रिस्पेक्ट जो हम ये यूज़ करते हैं वन के जी टू के जी उसके विद रिस्पेक्ट बनाए गए उसको लेट किया गया जो प्लेटिनम और इरीडियम का जो कंटेनर लिया गया जो वेसल लिया गया एयर टाइट वेसल लिया गया है उसको लेट किया गया है कि वो कितना है वन के का है चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं मूल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं मूल कॉन्सेप्ट बच्चे क्या है आपके पास मूल कॉन्सेप्ट है मूल कॉन्सेप्ट का वाई देयर इज नीड टू इंट्रोड्यूस दिस टर्म मूल कॉन्सेप्ट क्या ज़रूरत था मूल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का ये uh, जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे पास एमओ ने uh, इंट्रोड्यूस किया है उनको क्या जरूरत पड़ी थी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की सपोज करिए हम वन डजन बनाना लेने जाते हैं तो इट कंटेन ट्वेल्व राइट अगर हम सपोज करो कि पेयर है पेर क्या कर, कर, करता है हमारे पास पेयर में टू आइटम्स शुड बी देयर राइट डजन है डजन कंटेन ट्वेल्व आइटम्स राइट

टू पार्ट ट्वेंटी थ्री इट इज एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटोन एवरीथिंग आयंस पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एवरीथिंग इट इज ठीक है तो उन्होंने वन मोल को हमारे पास सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन इज टू पार्ट ट्वेंटी थ्री के इक्वल रखा है और फिर उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए बच्चे नंबर ऑफ हमें प्रोवाइड किए हैं कौन कौन से वो फॉर्मूलाज हैं लेट्स डिस्कस और ये उन्होंने कहां से कैलकुलेट किया उसको भी समझते हैं चलिए ने क्या किया कि थ्री टू फोर कंटेनर्स लिए बेटा थ्री टू फोर कंटेनर्स लिए और उन कंटेनर्स में डिफरेंट गैसेस को कलेक्ट कर लिया सपोज कि उन्होंने इसमें लिया लेकिन क्वांटिटी शुड बी अ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर डिफरेंट गैसेज ली और दैट विल बी अ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ठीक है आप तीन की जगह चार पाँच छः सात जितने बीकर लेना चाहते हैं ले लीजिए ठीक है और उनको क्या किया क्लोज़ कर दिया बीकर शुड बी क्लोज और इन कंटेनर्स को बेटा उन्होंने एस पे रखा एस क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर राइट उन्होंने इनको एस पे रखा और फिर कंक्लूजन क्या निकाला फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हर कंटेनर में 22.4 लीटर है और उसको एस पे रखा गया और जब उनके नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स काउंट किए गए तो दैट विल बी इक्वल टू 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रिज टू फार एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल वट एवर इट इज हर बीकर में इतना ही आया तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी गैस अगर हम 22.4 लीटर लेते हैं और उसको एस टी पे रखा जाता है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं सेम रहते हैं मॉलिक्यूल्स आयंस सेम रहेंगे ठीक है इन टेन डेज टू पार्ट ट्वेंटी थ्री एटम्स मॉलिक्यूल्स आय विल बी सेम फिर उन्होंने बोला कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू वन मोल इट इज ऑल्सो इक्वल टू वन मोल इट इज एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू इट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एट एस टी पी कंडीशन शुड बी एस टी पी दैट इज मॉलिकुलर मास ऑफ गैस ठीक है तो ये कंडीशन है एस टी पी पे दे ऑल आर इक्वल टू ईच अदर तो जो ये कंडीशन हैं एस टी पी पे ये क्या होती है एक दूसरे के इक्वल होती हैं और यहाँ से उन्होंने कुछ फार्मूलाज़ को डिराइव किया बेटा और वो फार्मूलाज थे हमारे पास चलिए उन फार्मूलाज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं आप इसको डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए मैं आपको दोनों मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊँगी बट चलिए इसके फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं थ्री फार्मूलाज आर देअर first one is number of moles number of moles which is equal to given mass given mass divided by molecular mass molecular mass and second formula is number of moles number of moles which is equal to given number of given number of atoms molecules particles ions so on divided by divided by 6.022 into 10 raised to power 23 molecules atoms ions atoms or ions fine and third formula is number of moles number of moles will become equal to given volume given volume divided by 22.4 लीटर एंड दीज ऑल वी आर अप्लाइड एट एस टी पी ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं हम एस टी पी पर ही अप्लाई करेंगे चलिए पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स राइट देन हम फिर क्या करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से दैट यू हैव टू कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 हम इसको दोनों मेथड से करेंगे डायरेक्ट भी अप्लाई करना सीखेंगे और इन फॉर्मूला से भी अप्लाई करेंगे। तो हम डायरेक्ट वाला लिख लेते हैं कि वन मोल विच इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एटम्स आयंस और इट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास एंड इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको यूज करेंगे फाइन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फार्मूला से करते हैं फार्मूला से दो पार्ट्स में कर लेते हैं फार्मूला से भी करेंगे और डायरेक्ट भी उसको यूज़ कर सकते हैं कैसे हमें डायरेक्ट हमें यूज़ करना है और कैसे फार्मूला से करना है पहले हम फार्मूला से यूज़ करते हैं चलिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं डायरेक्ट है कि आपके माइंड में ये तीन फार्मूलाज ही स्ट्राइक करेंगे उसके बाद आपने क्वेश्चन में देखना है बेटा ग्राम्स में बात की गई है ग्राम्स में क्या होता है मास होता है जब आपको ग्राम्स में बात की गई है सो यू हैव टू यूज़ द फर्स्ट फार्मूला राइट तो नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास राइट वॉट इज द गिवन मास गिवन मास इज क्वेश्चन में कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको बेटा 49 नाइन गिवन है एंड मॉलिकुलर मास है एच टू एस फोर का मॉलिकुलर मास है इट विल बी ए नाइनटी एट जिसको नहीं कैलकुलेट करना आता बेटा देखो इधर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का मास कितना होता है वन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर टू प्लस सल्फर का मास कितना है थर्टी टू प्लस मल्टीप्लाई फोर इट विल बिकम टू प्लस इट विल बिकम दी एट फाइन इट मोल दैट वी डन दिस बच्चे क्वेश्चन में सबसे पहले देखना आपको मोल बोला गया एंड आपको ग्राम बोला गया मोल एंड ग्राम मोलिकुलर मास किसमें होता है बेटा ग्राम्स में होता है तो हम इनको स्टैंडर्ड में इक्वल रख लेते हैं वन मोल इक्वल टू मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास कितना बेटा एच का नाइनटी ग्राम फाइन तो एच टू एस फोर का मोलिकुलर मास नाइनटी एट ग्राम है एंड दे आर आस्किंग फॉर द नंबर ऑफ मोल देन फोर्टी ग्राम सो फोर्टी ग्राम में कितना हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई नाइनटी एट इट विल बिकम वन पॉइंट एंड इट विल बिकम जीरो मोल

इक्वल टू गिवन एटम कितने बेटा 1.22 पॉइंट टू टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री एंड डिवाइडेड बाई एवो नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री राइट हे आर द नंबर ऑफ एटम्स कितने number of atoms है बच्चे टू so, है सो नंबर ऑफ एटम्स आर टू फाइन नंबर ऑफ एटम्स क्या बेटा हमारे पास टू नंबर ऑफ एटम्स हैं राइट तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं इफ दे आर आस्किंग फॉर ओनली फॉर द ऑक्सीजन दे आर आस्किंग ओनली फॉर द ऑक्सीजन देन देर इज नो नीड टू राइट द टू फाइन सो on cutting we will get the we will get the uh, one and it will become you can remove here the it will become 100 and it will become the 1000 is it clear zero and zero will cancel out zero and zero will cancel out 23 and 23 will cancel out and it will become approximately cut with the two and so it will become the 20 moles are present 20 moles are ओके फाइन एंड चले एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम क्या करें साइमल्टेनियसली दो फॉर्मुलाज को यूज करना सीखते हैं कि साइमल्टेनियसली हम दो फॉर्मुला को कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ एटम्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स इन और वी कैन से दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मॉलीक्यूल्स इन फोर ग्राम ऑफ एन एच फोर ग्राम ऑफ एन एच वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फोर ग्राम ऑफ एन एच विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा क्या देखना है कि दे आर हम दोनों से करेंगे इन इस मेथड से भी यूज करेंगे और इस मेथड से भी करेंगे दोनों मेथड से करते हैं वन बाई वन हम इसको डिस्कस करते हैं जिसको जो ईजी लगता है वो उससे कर लीजिए दे आर आस्किंग फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम्स ग्राम्स तो बेटा इस फॉर्मूला में यूज होंगे एंड मॉलिक्यूल्स तो इस फार्मूला में यूज होंगे इट मींस वी हैव टू यूज बोथ द फॉर्मूलास राइट तो हम क्या करते हैं इनको कंपेयर कर देते हैं कैसे कंपेयर करेंगे बेटा गिवन मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स

डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री एंड ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट विल बिकम फोर अप ऑन फोर्टी मल्टीप्लाई सिक्स टू टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री राइट एंड ऑन कटिंग यहाँ से कट कर देते हैं एंड इट विल बिकम सिक्स जीरो टू टू इंटू टेन टू पार्ट ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल्स फाइन इट विल बिकम ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल दिस इज आर आंसर फाइन ये तो हमने फॉर्मूला को यूज करके किया अभी हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना अभी हमें डायरेक्ट करना है कि डायरेक्ट को यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं चलिए इसको स्टार्ट करते हैं चलिए इसको करते हैं हमारे पास क्वेश्चन था बेटा दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन फोर ग्राम ऑफ एनिवे राइट

एंड वी हैव टू कैलकुलेट इन फोर ग्राम सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन इज टू बा मल्टीप्लाई बाय फोर डिवाइडेड बाय फोर्टी ऑन कैल्कुलेटिंग गेट द सेम आंसर ये दिस इज योर आंसर फाइन दिस इज योर आंसर बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट सपोज करते हैं बच्चे एक आपको प्रेशर गिवन है सपोज करते हैं इसको रब कर रहे हैं प्रेशर गिवन है प्रेशर इज गिवन टू यू प्रेशर गिवन है बेटा वॉल्यूम गिवन है टेम्परेचर गिवन है बेटा आपके पास बट यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स व टू कैलकुलेट द मोलिक्यूल्स सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉिक्यूल्स सो कैसे मॉलिक्यूल्स को हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम पी फॉर्मुला इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी प्रेशर बेटा आपको गिवन होगा वॉल्यूम आपको गिवन होगा फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल आर जो होता है गैस कॉन्स्टेंट है और गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको पता होती है ठीक है गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम जनरली अगर तो लीटर्स में है और एटमोसफेयर है हमारे पास अगर हमारे पास वॉल्यूम क्या है लीटर्स में है और प्रेशर जो है एटमोसफेयर में है हम इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके करके देखते हैं हम तो हम लेते हैं ज़ीरो पॉइंट जीरो एट टू वन लीटर एटमोसफेयर पर कैलविन पर मोल राइट इफ द इट इज़ इन द बार सो वी विल टेक दिस यूनिट बार पर कैलविन पर मोल ये आपको बेटा ध्यान में रखना होगा ठीक है इसकी वैल्यूज आपको नहीं दी होंगी और अगर आपको जूल कैलविन में यूज करना है तो इट विल बी एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल कैल्विन ओके तो ये थ्री टर्म्स हैं आपके पास कैलोरीज में हमारे पास वन पॉइंट नाइन नाइन होता है कैलोरीज में तो मोस्टली हमें ये वाली तीन यूनिट्स को ही यूज करना है फाइन तो आर की जो यूनिट आपको लर्न होनी चाहिए सपोज करते हैं बेटा आपको वॉल्यूम गिवन है थ्री फिफ्टी एम एल थ्री फिफ्टी एम एल इट इज गिवन टू यू प्रेशर सपोज कर लेते हैं इट विल बी अ टू एटमोसफियर एंड टेम्परेचर विल भी अ टू सेवेंटी थ्री कैलवन इट इज गिवन टू यू बट यू हैव टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे फिर नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे चलिए इसको करके देखते हैं बेटा पी वी इज इक्वल टू तो एनआर टी यूज़ किया प्रेशर बेटा कितना है आपके पास टू एटमोसफियर है मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना बेटा आपके पास थ्री फिफ्टी एम एल है थ्री फिफ्टी एम एल इज इक्वल टू एन आर की वैल्यू देखो एम एल है लीटर है सेम यूनिट है बट हम एक को कन्वर्ट कर लेते हैं इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में डिवाइडेड बाई थाउजेंड करके एंड आर विल बिकम जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन एंड टेम्परेचर इज गिवन टू यू बेटा इट विल टू सेवेंटी थ्री फ्रॉम हेयर यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद यू कैन यूज बेस्ट फॉर्मूला थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड multiply 0.0821 to 1 multiply to 73 equal to number of moles so from here you will get the number of moles and then you can use this formula from here cross, or by cross multiplying you will get your number of molecules when it is only applied when the pressure temperature and volume is given to you ओके देन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओके बच्चे ये आपका मूल कॉन्सेप्ट है बेटा अगर किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो यू कैन टेक्स्ट मी ओके बाय थैंक यू